गुड मॉर्निंग पिला माने आजिर अध्याय रे समस्त को स्वागत चतुर्थ अध्याय तृतीय पाठ रो कंटिन्यूशन रे आज हमें पढ़िबा ओडिसा रे स्वाधीनता परे जलसेचन ओ बन्या नियंत्रण किपरि सफल होइतिला एवं सेई विषय रो अधिक आलोचना करिबा। जलसेचन ओ बन्या नियंत्रण पई ओडिसा रे सर्वबृहत बहुमुखी योजना थिला हीराकुद नदी बंध। बुझि पाइलो हीराकुद नदी बंध सर्वबृहत नदी बंध थिला। एही योजनार तीनोटी मुख्य उद्देश्य थिला सेगुडी कहला महानदी त्रिकोणभूमि अंचल रे बन्या नियंत्रण करिबा, संबलपुर बलांगीर जिल्ला रे जलसेचनर व्यवस्था करिबा ओ जलविद्युत शक्ति उत्पादन करिबा। हीराकुद जल भंडार रे माछ चाष करिबा थिला अन्य एक उद्देश्य। एही योजनाटी केंद्रीय जल आयोग द्वारा ओडिसा रे कार्यकारी होइतिला। एहार वास्तविक निर्माण कार्य 1948 मसीहा रे आरंभ होई 1956 मसीहा रे समाप्त होइतिला। यहापर ओडिसा रे अन्य केतोटी बृहत बहुमुखी नदीबंध योजना कार्यकारी होइतिला। आंध्र प्रदेश रो सहयोग रे माछकुन योजना, कोरापुट रो अपर कोलाब योजना, इंद्रावती योजना, रेंगाली भीमकुन योजना ओडिसा रो जलसेचन क्षेत्र रे बेस सहायक होई पारिछि। एहा छडा ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे अनेक मध्यम जलसेचन योजना कार्यकारी होउछि। जलसेचन सुविधा नथिबा स्थान मानकरे उठा जलसेचन रो व्यवस्था करा जाइछि। कृषि व्यतीत ओडिसा सरकार गोपालन, मत्स्यचाष, कुकुड़ा पालन प्रभृति कार्यक्रम प्रोत्साहन जोगाई। गोधन सुरक्षा पाई गाँ गहली पशु डाक्तर मानंकु नियुक्ति मिली। पशु मानंकु संक्रामक रोग रक्षा करने 1949 मसीह सरकार एक आईन प्रणयन करिछंती। महानदी धामरा सुवर्णरेखा और चिलिकार मत्स्यजीवी मानू सरकार विभिन्न भाव में उत्साहित कर संरक्षण परारा केन्द्र मानक बरफक प्रतिष्ठा कर समुद्र और बड़ बड़ जलाशय और हदर मत्स्य संग्रह धीवर मानक सुरक्षा पर आईन मान प्रणीत हो। पशुपालन, मत्स्य संग्रह और कुकुड़ा पालन क्षेत्र में ओडिशा विशेष भाव अग्रगति करना क्षेत्र में ओडिशा जहाँ प्राकृतिक सामर्थ्य रही तार ठीक विनियोग ओडिशा कृषक एवं मध्य समस्या घेर में अच्छा बन्या मरुड़ी और बात्या एवं भी तापाई समस्या सृष्टि करुछि। उत्पादित द्रव्य ठीक मूल्य रे बिक्री हो पारना अभावी बिक्री और क्लेशदायक अभावी बिक्री तापाई क्लेशदायक हो। उत्पादित सामग्री ठीक मूल्य न मिलवर तार आर्थिक स्थिति दोहरी जा जहाँ हेले भी मनुष्य पाई खाद्य दरकार तेणु कृषि उन्नति करने को हेबो। ग्रामांचल विकास पाई दृष्टि देवाक पड़ो। ओडिशा रे कृषि विकास पाई समय क्रमे कृषि विभाग अधीन चारि गोटी निर्देशालय कार्य करुछि। सेगुडी कहला कृषि और खाद्य शस्य उत्पादन निर्देशालय, उद्यान कृषि निर्देशालय, मूर्तिका संरक्षण निर्देशालय और जल विभाजक उन्नयन निर्देशालय जल विभाजक विभाजिका उन्नयन निर्देशालय। मत्स्य संपद विकास पाई मत्स्य पालन निर्देशालय कार्य करुछि। पशु संपदर उन्नति पाई अछि पशुधन निर्देशालय। कृषि विकास क्षेत्र में सहयोगी भूमिका ग्रहण करुछि सी कौन ना निर्वाह करुछन्ति केतेक निगम और अनुष्ठान सेगुडी कहले ओडिशा राज्य विहन निगम कृषि पाई, ओडिशा कृषि शिल्प निगम, कृषि संप्रसारण प्रचालना प्रतिष्ठान परिचालना प्रतिष्ठान, ओडिशा काजू उन्नयन निगम ओ ओडिशा कृषि क्रमोन्नति ओ विनियोग निगम, ओडिशा कृषि ओ वैषयिक विश्वविद्यालय ओ कृषि विभाग अधीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़िक कृषक मानक प्रशिक्षण और दिग्दर्शन देवारे गुरुत्वपूर्ण दायित्व निर्वाहन करुछंती। कृषि गवेषणा कार्य अव्याहत रही कटक रे केंद्रीय धान गवेषणा प्रतिष्ठान, कौशल्यांगर केंद्रीय मधुर जल मत्स्यचाष केन्द्र और राज्य सरकार कृषि गवेषणा केन्द्र, साखीगोपाल नारिकेल गवेषणा केन्द्र और कृषि विज्ञान महाविद्यालय गुड़िकर ओडिशा कृषक मानक उन्नति कृषि विज्ञान संबंधित ज्ञान प्रदान करिवारे समर्थ होती। एतद व्यतीत 1976 मसीह अनेक कृषि विज्ञान केन्द्र ओडिशा रे प्रतिष्ठा कर आखपाख अंचल कृषक मानक वैज्ञानिक दिग्दर्शन देवा यही कृषि विज्ञान केन्द्र मानक कार्य। अभावी बिक्री समस्या को समस्या रक्षा पाइबा सरकार सीधा सड़क कृषक मानक धान संग्रह व्यवस्था कर बुझिपाल। तो एतिकी होउछि तमर तृतीय पाठर कंटेन्ट थिला। तो तृतीय पाठर
ସମାପ୍ତରେ ତମର ଅନୁଶୀଳନୀର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଇଛି, ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ତାକୁ ତମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁନଥାଏ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।